नाजरीन किधर जाया माम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रादिक और आप लोग देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल MT अब्दुर्रादिक। नाजरीन हकूक पे बात करो, लो जी ये हुकूमत के खिलाफ है। ताकतवर हलकों पे बात करो, लो जी ये गद्दार है। किसी आलिम पे बात करो, लो जी ये यहूदी PTI वाला है। यार अजीब तमाशा है, क्या हम जानवर हैं? हमारे पास अक्ल नहीं है? क्या हम कोई ख्वाब नहीं देख सकते कि हमारा मुल्क खुशहाल हो, यहाँ के लोग खुशहाल जिंदगी गुजारें, अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल देख सकें? अगर ये ख्वाब देखना कसूर है तो मैं हूँ कसूरवार। क्या 75 साल कम नहीं थे हमें अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए? क्या पिछड़े तमाम इदारों के हुक्मरान खुद को कसूरवार ठहराएंगे कि हमारी नाअहली की वजह से मुल्क आगे नहीं बढ़ सका? क्या है इतनी इखलाक की जुर्रत? नाज़रीन अगर हम आज भी अपना मुहासबा कर लें तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि अपना मुल्क भी तरक्की की दौड़ में शामिल हो जाएगा। और अगर हमने आज भी अपना मुहासबा ना किया तो जैसे कि आजकल के हालात हमको देखने को मिल रहे हैं, हर एक दूसरे को गलत साबित करने में लगा हुआ है, अपनी गलती कोई मान नहीं रहा, तो फिर यही हालात यही कशकोल ही हमारा मुकद्दर है। आज हम बयान देते हैं जी हम घुस कर मरेंगे, दुनिया हंसती नहीं होगी। कहाँ वो दुनिया के टॉप 10 मीशत वाले मुल्कों में और कहाँ आटे को तरसने वाला मुल्क? खुददारा मुल्क का मजाक न बनाए। मुल्क को लपाक ने कुदरती वसायल से मालामाल कर रखा है, जरूरत है तो सिर्फ मुखलिसपन की। बस कर दें अब, कौम का सोचें, गरीब अवाम भूख से निढाल है। मसीह का इंतजार करिए कि कोई आए और इनको इस बदहाली से निकाले। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए और जो इस वक्त हमारे ऊपर मुश्किल वक्त है इसका खात्मा फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।